हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का वेबथ्री फीवर के एक और एपिसोड में। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम रिव्यू करने वाले हैं कुकु प्रेम की लेटेस्ट वेब सीरीज रानी का राजा का। तो चलिए दोस्तों फटाफट से इस वेब सीरीज का हम रिव्यू करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ खास देखने को मिलता है आपको इस वेब सीरीज के अंदर, क्या ये वेब सीरीज आपको देखनी चाहिए या फिर नहीं, सारा कुछ डिटेल में बात करेंगे आज की इसी वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर से जरूर देखिएगा। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिए, इसी तरह की और भी रिव्यूज और मूवी और वेब सीरीज से रिलेटेड अपडेट्स पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों बिना वीडियो को लंबा किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करें इस वेब सीरीज की, तो दोस्तों इसे कुकु प्रीमियम की तरफ से रिलीज किया गया है और इस वेब सीरीज का नाम है रानी का राजा। और दोस्तों ये जो वेब सीरीज है इसे रिलीज किया गया था 15 दिसंबर को। और दोस्तों बता दूं ये वेब सीरीज जो है कुकु प्रीमियम की वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज में से एक है। और इस वेब सीरीज के अंदर आपको एज अ लीड एक्ट्रेस देखने को मिलती है भोजपुरी की सुपरस्टार रानी चटर्जी, साथ ही साथ प्रियंका गोयल जय जैसे बहुत ही बेहतरीन टैलेंटेड एक्टर्स आपको देखने को मिलते हैं इस वेब सीरीज के अंदर। और दोस्तों बात करें अब इसकी स्टोरी और प्लॉटिंग की, तो दोस्तों इसकी जो स्टोरी है वो बेस्ड है रोहित बंसल बंसल की इर्द गिर्द, जहाँ पर कि हमें देखने को मिलता है जो रोहित बंसल है वो एक फर्नीचर फैक्ट्री का मालिक है, जो कि दोस्तों वो एक गे है। और वो जो रोहित बंसल है उसे जो है लड़कियों में नहीं इंटरेस्ट है, बल्कि यहाँ पे लड़कों में उसे इंटरेस्ट है। और उसकी जो माँ है वो रोहित बंसल का शादी करवाना चाहती है, बट दोस्तों उसे जो है उसे लड़कियाँ कम पसंद है, लड़का बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इस वजह से जो है दोस्तों वो अपनी माँ से जो है बात करता है और अपनी माँ को बताता है कि उसने शादी कर ली है। और यहीं पे एंट्री होती है रानी चटर्जी की। रानी चटर्जी होती है एक बाजारू औरत होती है, जिससे रोहित जो है वो जाके रोहित बंसल जो है उसे बात करता है, उसे अपनी एक नकली वाइफ बनाता है और उसे अपने घर में ले जाता है। और वहीं पे जो रोहित का जो मामा है उसे जो है रोहित की जो बीवी यानी कि रानी चटर्जी है उससे उसे घपाघप करना रहता है। और फिर आगे क्या कुछ होता है ये देखना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है रोहित बंसल जो है के पीछे एक इनकम टैक्स ऑफिसर भी पड़ जाता है, क्योंकि जो है रोहित बंसल वो बिल्कुल भी टैक्स पे नहीं करता। और वो रोहित बंसल के पीछे जो इनकम टैक्स ऑफिसर जो पड़ जाता है वो उसे छापा मारना चाहता है उसके घर और ऑफिस में। फिर आगे जो भी स्टोरी आपको आगे जो भी बढ़ती है स्टोरी आगे फिर क्या कुछ होता है यही सारा कुछ आपको देखना होगा इस वेब सीरीज के अंदर। ये वेब सीरीज स्ट्रीम हो चुकी है कुकु प्रीमियम पे, तो दोस्तों आप जाकर के इसे कुकु प्रीमियम पे इंजॉय कर सकते हैं। इसके अंदर आपको कुछ एरोटिक और बोल्ड सीन भी देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, रिव्यू कैसी लगी नीचे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और भी कोई मूवी या वेब सीरीज की आपको अगर रिव्यू चाहिए वो भी आप नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर से जरूर कर दें। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।